नमस्ते, मेरा नाम संगीता है। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से हम थ्रेडिंग अपर लिप को घर पर ही कर सकते हैं। आइए देखिए इसके लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए ये वैक्स सीटर लिया है मैंने। ये स्पेशल है वैक्स सीटर, छोटे साइज का है, आप इसको ले सकते हैं, ये वैक्स सीटर। और इसके लिए हमें चाहिए वैक्स। ये जो मैं आपको थ्रेडिंग अपर लिप बताने जा रही हूँ, ये इसके लिए हमें थ्रेड का यूज करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए हम फेस वैक्स यूज करेंगे। जनरली मार्केट में ये फेस वैक्स इजिली अवेलेबल हो जाती है। इसके लिए हम इस टाइप की फेस वैक्स जो आती है, इस टाइप की फेस वैक्स को यूज कर सकते हैं। ये है इसका बॉक्स, ये इस तरह का बॉक्स आता है। ये इंपोर्टेड वाली फेस वैक्स है। किसी भी आपको शॉप में जहाँ पे पार्लर का सामान सेल किया जाता है तो ले लिया है। इसको मैं वैक्स सीटर में रख देती हूँ। वैक्स सीटर को हम ऑन कर देते हैं। आपके पास अगर वैक्स सीटर नहीं है तो ये मैंने वैक्स सीटर को में डालकर ऑन कर दिया है। अगर आपके पास वैक्स सीटर नहीं है तो आप इसको सीधा गैस के ऊपर भी गर्म कर सकते हैं, या आप अगर ये वैक्स नहीं आपको मिल रही है तो आप इस तरह से ये कटोरी वैक्स ले सकते हैं। ये फेस वैक्स है, ये इजिली मार्केट में अवेलेबल है। आप चाहे तो इस तरह का वैक्स सीटर में इसको गर्म कर सकते हैं, या आप इसको डायरेक्ट ही गैस के ऊपर गर्म कर सकते हैं। और इसके लिए हमें इसको अप्लाई करने के लिए आप इस तरह से ये जो आइसक्रीम वाले नाइफ आते हैं, जिससे हम आइसक्रीम खाते हैं, वुडन स्पून, इनको ले सकते हैं, या फिर आप जिससे हम वैक्सिंग नाइफ होता है उसको ले सकते हैं। जो भी चीज आपको इजीली अवेलेबल हो, या बटर नाइफ जिससे हम बटर लगाते हैं वो ले सकते हैं। जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो आप उसको ले सकते हैं। सीजर, छोटी सीजर ली है मैंने। और हमें चाहिए ये ट्वीजर, जो हेयर्स हमारे वैक्स से नहीं निकल पाते हैं उनको हम बाद में ट्वीजिंग से ट्वीज कर देते हैं। और ये है हमारा आफ्टर वैक्स जेल। अगर आपके पास ये नहीं अवेलेबल है तो आप इसकी जगह पर कोई भी क्रीम यूज कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये हमारी, मैंने वैक्स को गरम करने के लिए रख दिया है। हमारी वैक्स मेल्ट हो रही है। हाँ, जब तक हमारी वैक्स मेल्ट होती है तब तक मैं आपको कुछ चीजें बता दूं जिनको आपने ध्यान रखना है। पहले तो आपको वैक्स का टेम्परेचर जरूर ध्यान में रख लेना है, क्योंकि हम फेस पे लगा रहे हैं तो ये बहुत अधिक गर्म नहीं होनी चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, हमें जो वैक्स अप्लाई करनी है वो हेयर की ग्रोथ की साइड अप्लाई करनी है। जैसे अगर हमारे हेयर इधर की साइड है, ग्रोथ है हमारे, जो हमारा जो एंड है हेयर का वो इधर की साइड है, तो हमें इधर की साइड अप्लाई करनी है और ऑपोजिट साइड में हमने खींचना है। तो इस चीज का ख्याल ध्यान रखें। ऐसे ही हमने अपर लिप, ये थ्रेडिंग पे भी हमने ऐसे ही करना है कि इधर वाली जो थ्रेडिंग होती है हमारी, उसकी ग्रोथ इधर की साइड होती है, तो हमें इधर की साइड अप्लाई करना है और ऐसे हमें पुल करना है। बस इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। मेरी वैक्स मेल्ट होनी शुरू हो गई है तो हम शुरू करते हैं। आइए हम शुरू करते हैं वैक्सिंग करना। वैक्सिंग करने से पहले आप इसका वैक्स का टेम्परेचर जरूर देख लीजिए। ये लिक्विड नहीं होना चाहिए ज्यादा, थिक में ही होना चाहिए। ये देखिए इस तरह से ये वैसे आपको चम्मच से लेनी है। इस तरह से चम्मच से लेकर अपर लिप पर अप्लाई करना है। पहले हम अपर लिप करेंगे। ये सामने मेरे शीशा है तो आपके अच्छा बेटर होगा कि सामने अगर कोई शीशा विशा हो। तो इसे थिक लेयर अप्लाई करेंगे ताकि उतारने में हमें इजी हो। अगेन
आप वैक्स के टेम्परेचर को जरूर ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। और हेयर की ग्रोथ की साइड हम इतनी क्लियर अप्लाई कर देंगे जिस तरह से मैंने अभी किया। ये इस तरह से ऐसे दूसरी बहुत ज्यादा ऊपर तक नहीं करना है, जो हमारे एक्स्ट्रा ग्रोथ है सिर्फ उन्हीं पे हम अप्लाई करेंगे और बहुत सावधानी से करना है। ध्यान से आराम आराम से आप देख रहे हैं, ये मैंने अप्लाई कर दिया है और इसी तरह से आप ऊपर की साइड भी अप्लाई कर लेंगे। और आगे आप पूरे फेस पे कहीं जहां पे भी आपको जरूरत हो आप इस वैक्स को कर सकते हैं। थोड़ी देर वेट करिए ताकि जो हमारे हेयर्स हैं वो अच्छे से वैक्स के ऊपर स्टिक हो जाए और जितनी इसको रिमूव करने में हमें इजी रहता है। ये थोड़ा सा आप इसको ऐसे प्रेस कर दीजिए ऐसे अच्छे से ताकि जो हमारे हेयर्स हैं वो वैक्स के ऊपर स्टिक हो जाए। ऐसे ही आप थ्रेडिंग की भी अच्छे से दबाते हुए एक एक दो मिनट रखने की जरूरत है। इसके बाद ये उतारने लायक हो जाती है। सबसे पहले आप इधर की साइड शुरू करते हैं, ऐसे हल्का सा नीचे हाथ रख के स्ट्रेच कर लीजिए और नीचे से हल्का से ऐसे पुल करें। पुल करते हैं ये वैक्स अपने आप ये कितनी आसानी से उतर गई। इसी तरह से दूसरी साइड से भी इस तरह से पहले हल्का सा वैक्स को उठाएं और इस तरह से आप खींच दें तो आपके पूरे के पूरे जो हेयर्स हैं वो एक ही बार में बाहर आ जाएंगे। ऐसे ही हमने थ्रेडिंग की करनी है। इसी तरह से आप इधर की साइड से ऐसे स्ट्रेच करेंगे और हल्का सा पहले साइड से उठाएंगे ऊपर हल्का सा और इसी तरह से आगे ले जाते हुए ये देखिए, ये आप देख रहे हैं हेयर्स की जो हेयर्स इसके ऊपर एक्स्ट्रा हेयर्स इसके ऊपर आ गए हैं। ये देखिए और एक ही स्ट्रोक में हमारे कितने सारे जो हेयर्स हैं वो बाहर आ जाते हैं। देखा आपने कितना इजी है थ्रेडिंग अपर लिप को करना। पूछ लीजिए क्लीन कर लो फेस को अच्छे से। उसके बाद अगर आपको कहीं पे भी लग रहा है कि आपका हेयर छूट गया है तब इस तरह से ट्वीजर्स उसको निकाल सकते हैं। ट्वीजर भी ध्यान से यूज करना है कि आपकी स्किन ना बीच में से। ये मैंने पकड़ा और इस तरह से निकाल लिया। अगर पर मेरे को इसकी ज्यादा आवश्यकता नहीं लग रही है, मेरी अपर लिप से ही बहुत बढ़िया से हो गई है। और उसके बाद आप ये जो है इसको हल्का सा फिंगर पे ले लीजिए। क्रीम है तो क्रीम भी ले सकते हैं। ये लाइट सा मैंने ले लिया है और थोड़ा सा वैक्स सीटर भी लगा के और ये इस पे लगा के ना अपर लिप्स पे और क्रीम पे आप थोड़ी सी मसाज कर सकते हैं। और कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अपना फोन नंबर दिया है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।
कल आपको मेरा वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे